अगर तुमको कॉलेज में कूल फैशनेबल हैंडसम गाय बनना है जिससे लड़कियां लड़की नोटिस करे एंड फ्रेंडशिप करने को तरसे तो वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे क्लोथिंग एसेंशियल्स जो आपके पर्सनालिटी को दूसरों से अलग दिखाएंगी। क्योंकि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में ना 80% आपका ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा टॉप ट्रेंडिंग एसेंशियल्स जब तुम कॉलेज में पहनोगे तो लोग तुमको पलट पलट के देखेंगे। नंबर 1, ओवरसाइज टी-शर्ट्स। भाई ये जमाना ओवरसाइज टी-शर्ट्स का है। अगर आप अभी भी वही कॉमन सी टी-शर्ट्स पहन रहे हो तो आप ओवरसाइज टी-शर्ट्स की तरफ जा सकते हो। एक ऑर्डिनरी टी-शर्ट से काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। आप थोड़े मोटे हो या स्किनी हो तब भी ये आप पर बहुत अच्छी दिखेंगी। ओवरसाइज टी-शर्ट्स लेते वक्त उसकी फिटिंग जरूर देखना। शॉप वाले अगर आपको ऐसी बताए तो बिल्कुल मत लेना। और अगर आपके साइज से बड़ा देता है लाइक 3-4 XL तो वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। जो आपका साइज है वही साइज की ओवर टी-शर्ट लेना। और ये सॉलिड कलर्स में ज्यादा अच्छे लगते हैं लाइक दिस। अगर आपको ये बाय करना है तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कॉलेज में एक क्लियर स्किन बहुत जरूरी है हैंडसम दिखने के लिए। अगर आपके फेस पर पिंपल्स डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो आप डेली बेसिस पर कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे पिंपल्स बढ़ रहे हैं। ऊपर आई बटन पर एक वीडियो है जिसमें मैंने 10 ऐसे मेन मिस्टेक्स बताया हो जो आप कर रहे हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे बाद वो वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लेना। नंबर 2, क्यूबन कॉलर शर्ट। भाई ये शर्ट आपके वार्डरोब में जल्दी से ऐड कर लो, क्योंकि ये शर्ट इस साल काफी ट्रेंड में है एंड फ्यूचर में भी लोग इसको बहुत लाइक करने वाले हैं। ये एक नॉर्मल शर्ट से काफी बेटर लगता है। इसकी कॉलर कुछ ऐसी दिखती है एंड स्लीव में ये थोड़े लॉन्ग होते हैं। अगर इसको आप कार्गो के साथ पहनोगे तो भाई कॉलेज में आप दूसरों से काफी हटके दिखोगे। ये शर्ट्स लाइट कलर में ही अच्छे लगते हैं और थोड़े प्रिंटेड लाइक दिस। ये शर्ट की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, आप चाहे तो बाय कर सकते हो। इस पर आप कोई भी डार्क पैंट पहन लोगे तो बहुत कूल लगोगे। नंबर 3, हुडी एंड स्वेटशर्ट। ये दोनों तो कॉलेज में कोई ना कोई पहनता ही है, लेकिन अगर आपको इनमें भी कूल एंड फैशनेबल दिखना है तो आप डाउन शोल्डर हुडी या स्वेटशर्ट की तरफ जा सकते हो। इसकी फिटिंग एक नॉर्मल हुडी स्वेटशर्ट से थोड़ी लूज होती है एंड इसके शोल्डर डाउन होते हैं। ये हुडीज एंड स्वेटशर्ट अभी काफी ट्रेंड में हैं। हुडीज में ऐसे लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाइट हुडी पर आप डेनिम या वार्सिटी जैकेट पेयर अप कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ऑसम लगता है। स्वेटशर्ट में आप डार्क कलर्स भी प्रेफर कर सकते हो। ये सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एक बार चेक जरूर कर लेना। नंबर 4, कार्गो पैंट। कपड़ों के ये बदलते जमाने में कार्गो पैंट काफी ट्रेंड में है, क्योंकि वो नॉर्मल सी कॉमन जींस से काफी प्यारी पैंट दिखती है। ये पैंट्स दिखने में काफी ऑसम दिखती है एंड इसकी फिटिंग से भी बहुत कूल वाइब्स आती है। कार्गो पैंट के साथ आप स्नीकर्स पहन लो, हाई टॉप शूज पहन लो, ये दोनों में ही अच्छी लगती है। ये पैंट्स में लाइट कलर बहुत कूल लगते हैं, ये हर आउटफिट्स पर चल जाएंगी। इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। नंबर 5, वार्सिटी जैकेट। अगर आपको कॉलेज में दबदबा बनाना है लॉन्डो में तो ये जैकेट बेस्ट है। रोला जमाना है लॉन्डो में, रोला क्रेज दबदबा। जस्ट किडिंग, वार्सिटी जैकेट अभी बहुत ट्रेंड में है एंड ये दिखने में भी काफी रॉयल दिखता है। कॉलेज में एक जैकेट तो एसेंशियल चीज है, ये आपके पास तो होना ही चाहिए एंड सबसे हटके दिखोगे अगर आप ये जैकेट पहनोगे। ये दिखने में बाकी जैकेट से काफी कूल लगता है। इसको आप व्हाइट हुडी के साथ पहनोगे तो बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। नंबर 6, स्नीकर्स। ये जमाना है भाई जॉर्डन के स्नीकर्स का, हर कोई बस यही बोल रहा। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। स्नीकर्स में बस आपको ये दो खरीदना है, एक व्हाइट स्नीकर एंड दूसरा कोई भी जॉर्डन का। व्हाइट स्नीकर्स तो हर आउटफिट के साथ चल जाएगा, फिर वो कैसा भी क्वालिटी का हो। लेकिन आपको जॉर्डन लेते वक्त क्वालिटी पर ध्यान देना है। कॉलेज में छपरी लोग कुछ ऐसे कॉपी शूज ले लेते हैं जो दूर से ही समझ में आ जाते हैं फेक है। इनमें आपको फर्स्ट कॉपी शूज लेना है, थोड़े से महंगे आएंगे लेकिन चीज अच्छी रहेंगी। कुछ बेस्ट क्वालिटी के व्हाइट स्नीकर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लेना एंड जॉर्डन की आप सीधा कोई शॉप से चेक करके लेना। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच ब्रो। बस भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड इनमें से कोई भी चीज आपको बाय करना हो तो सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।